जीवे, जीवे, शहीद, अभी जब आप लाइव करते हैं को प्यार तो मिलता ही है साथ हाँ। साथ थोड़ी बहुत लोग अजीब अजीब बातें भी करते होंगे दस बारह होते हैं जो अच्छे नहीं होते तो मैं उनको यही चीज़ लिखते थैंक यू वेरी मच इन आप मेरी मोहब्बत में आने ही वाले हैं वॉज <laughs> <laughs> है oh, okay. <laughs> <laughs> <से> क्या? <निकले> <laughs> आपको भी प्यार नहीं हुआ हाँ. लेकिन मैं इस मामले में फेल हूँ लेकिन अब माशाल्लाह बहुत कामयाबा बिस्मिल्लामान रहीम मेरी शान मक्का मेरी जान मदीना और मेरी पहचान पाकिस्तान पाकिस्तान ज़िंदाबाद

सबको पता है कि ये मेरी जिंदगी की वो फैन मोमेंट्स है में से एक है जिसका मैं एक्चुअली बेसब्री से आज सुबह से जब से मुझे <laughs> पता लगा है कि ये आ रहे हैं मैं सुबह से इंतजार कर रहा था सो द इंट्रोडक्शन ऑफ द शुक्रिया थैंक यू सो मच लवली पहले आपका जरा इंट्रोडक्शन करा देते हैं हाँ जी द गेस्ट वी हैव लेडीज एंड समय रेजोनेट्स अक्रॉस बॉर्डर ट्रांसेंडिंग लैंग्वेज एंड कल्चर ये एक्टर भी हैं ये सिंगर भी हैं आर्टिस्ट भी हैं और एक्स क्रिकेटर भी हैं है। वायरल सेंसेशन है खाली पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया में हर जगह भी जहां पर भी सोशल मीडिया है इनका एंटरटेनमेंट से इनका नाम इस तरह जुड़ा हुआ है जिस तरह ऑनिस्ट आवर से सुंदर और शावीर का <laughs> <laughs> केली की तरह जैसे कि उंगलियां जुड़ी हुई है द वन लाखों दिलों की जान चाहत फतेह अली खान शुक्रिया खास तौर पे और स्टार का और आप दोनों का बहुत you, बहुत शुक्रिया thank you, thank you. और आपकी पूरी टीम का माशाल्लाह याद रखें इनका स्टूडियो बहुत ही प्यारा खूबसूरत है वेरी प्रोफेशनल भाई थैंक यू सो मच चाहत भाई आप कैसे हैं मैं माशाल्लाह बिल्कुल ठीक वेरी ग्लैड माशाल्लाह कि मैं जी लाहौर में हूँ पाकिस्तान में हूँ सच ए लवली वेदर माशा अमेजिंग वेदर लेकिन थोड़ा सा वो स्मॉग वगैरह है इट्स इट्स ओके लेकिन ये कि बारिश तो नहीं हो रही ना <laughs> मौसम खराब नहीं है <laughs> मौसम खराब नहीं है माशाल्लाह जी 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 नहीं सही बिल्कुल सही बात है अच्छा पहले तो एक चीज आप हमें ये बताएं क्लियर करें कि आपको हम चाहत कहें चाहत फते खान कहें या फिर जो आपके लिए इजी है वैसे तो आप मेरे दिल की धड़कन है लव यू मैं ये मैं आप मेरी बात आप यकीन करें ये बात मैं जेनवनली आपको बता रहा हूँ कि मैं मेरी पूरी फैमिली

Uh, आपने रिसेप्शन दिया जैसे आपने मेरे गले मिले तो मुझे यस मुझे उसी वक्त हो गया मैं चाँद भाई जब एंटर होया ना मैंने सबसे पहले इनको पकड़ लिया मेरे का चाँद <laughs> <जी जी जी laughs> भाई प्लीज जी दिस इज सो आप आपको मैं क्या कहूँ आपका असली नाम है काशिफ राना हाँ जी मेरा असली नाम बिल्कुल आपका ये एक्चुअली बहुत लोगों को नहीं पता होगा ये बात जी, जी जी आपको सारे लोग चाहत फतह अली खान हाँ जी मैंने आठ साल पहले नाम चेंज कर लिया जब मैंने डिसाइड किया कि अब मेरा सोना ओढ़ना बिछाना इंटरटेनमेंट और सिंगिंग है तो मैंने नाम फिर चेंज कर लिया वेरी नाम वेरी इंटरेस्टिंग तो चाहत फतह खान ही क्यों इस वजह से शहीद मैं बड़ा लाइफ को लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करने वाला बंदा नॉट राइट नाउ शुरू से अच्छा शुर। और उसके बाद यह है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना हर हाल में ठीक है? है और मेरे पास जब भी कोई मेहमान आते हैं दोस्त अहबाब तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ ख़िदमत करता हूँ तो उस लिहाज से मेरे दोस्तों ने लंदन में मेरा नाम जनाब मुझे रखा कि इनका नाम चाहत होना चाहिए फिर आगे फतेह अली खान मैंने लगाया <laughs> अच्छा चाहत इसलिए क्योंकि आप लोगों को चाहते हो कि कि मैं हम जी हाँ, प्यार करने वाला चाहत है प्यार जी चाहत मेरे है मेरे दिल में आपके लिए एक चाहत है ना जी जी हाँ तो लाइक वो पॉजिटिविटी जी, जी, और वो कि मैं आपको चाहत से मिल रहा हूँ तो उससे आपकी चाहत की वजह से ने ये मेरा नाम फिर मैंने इसकी तैयद की फिर आगे चाहत फतेह अली खान क्योंकि मैंने स्टार्ट मैंने जब यानी शौक़ मुझे छोटे होते था बचपन से शौक था ठीक है जी लेकिन आपको समझ नहीं आती कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया है तो जब सात साल पहले ने आठ साल पहले डिसाइड कर लिया कि जी सिंगिंग सिंगिंग ही करनी है तो स्टार्ट मैंने कवाली से किया क्वाली से ठीक है तो फोकस किसी ना किसी को करना होता है तो मैंने उस्ताद ने सरफ़त खान साहब को फोकस किया कि हाँ यार ऐसी कवाली गानी चाहिए ठीक है जी तो फिर मैंने कवाली से स्टार्ट किया अच्छा कि कवाली से स्टार्ट हुआ अब मुझे भंगड़ा गाने आ, आ, जी क्या कहते हैं नात या हमद फिर उसके बाद गज़ल गाना मेरे लिए बड़ा ईजी है कवाली में लगता बड़ा ज़ोर आपको तो तो फिर छाट होना चाहिए ठीक है तो ये मेरे नाम फिर ऐसे हुआ वैसे मेरा नाम

चार साल पहले पता चला कि मैं एंटरटेनर हूँ आई मीन लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ साथ से सिंगिंग में सही ठीक है जी मैंने पिछले डेढ़ साल में उन्नीस गाने रिलीज़ किए उसमें से नौ माशाल्लाह हिट हुए पांच और जो लाइनअप है वो इधर जी इन शाह तिलीज़ करूँगा तो लेकिन मैंने देखा जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो जो देखते हैं जो सुनते हैं उनके चेयरों पर खुशी आ जाती है तो फिर मैं सबसे पहले तो इंटरटेन इंटरटेनर कहूँगा फिर मैं करूंगा जी सिंगिंग सिंगिंग तो बहुत जरूरी है क्योंकि सिंगिंग के साथ ये होता है कि आप फिर मूवमेंट करते हैं डांस भी ची करते हैं इवन कि देखें मैं क्वाली भी ची करता हूँ तो आप जब बहुत ज्यादा फॉर्म में आ जाते हैं फिर आप निकल थोड़ा हाँ। सा है हाँ, हाँ, हाँ। जब आप बिल्कुल ऐसे सो यू अ सिंगर एंड दैट्स वेरी गुड ये अच्छी बात है कि आपको इस चीज़ का पता है कि जी आप यानी कि आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं साथ साथ बिल्कुल मेरे कुछ दोस्त हैं जो सिंगिंग में पिछले 30 साल से हैं लेकिन उनको कुछ साथ वाला जो जैसे आपका ये माशाल्लाह डी एच ए सिक्स है तो एड्रेस ना बता देना चाहत भाई तो <laughs> आपके फैंस यहाँ पे पहुंच जाएंगे कल तो हमारे पास। फोर वाले जानते नहीं उसे लेकिन अल्लाह ने आस अच्छा, अल्ला, पास, पास वाले जी हाँ तो अल्लाह ने खास अल्लाह का कर्म बिल्कुल बिल्कुल पूरी दुनिया में जहां पे भी चाहता हूँ किसी भी कंट्री में

लेकिन सब जो माना रिलैक्स है वो है। अच्छा <laughs> अपने स्टाइल में, जी 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 जी, जी रिलैक्स मुझे कभी आदत नहीं हो पाई शलवार की, बार की बार अभी नहीं थोड़ी देर बाद फिर जी देखता है अब देखिए ये जीन है हम्म मैंने जब जब पंजाब यूनिवर्सिटी में था जब लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में था तो मुझे जीन्स के कलर बहुत अच्छे लगते थे मैंने तीन चार दफा पहने हैं ठीक है जी लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगी लेकिन जीन कितनी पॉपुलर पूरी दुनिया में यहाँ पे कलर

<laughs> चीज़ी चीज़ी। मैंने ये देखा ठीक <laughs> है ठीक <जीज़ी। laughs> है, <थीक> है जी <laughs> <से चीज़ी। laughs> मुझे इतना मजा आ रहा है कि आप अपनी बातों को इतना एंजॉय कर रहे हैं कि हम और एंजॉय कर रहे हैं उनको मुझे सबसे पहले ज्यादा म्यूजिक अपने ही सुनता हूं। सुनता ही अपना सिंगर तो नहीं सुनते मोस्ट ऑफ सिंगर अपना म्यूजिक बहुत कम से सुनते मैं तो अपने ही सुनता बस बस इतनी हिम्मत वाली बात है हमसे तो अपना वॉइस नोट नहीं सुना जाता तुम्हारा सही बात है। हमें तो अपना वॉइस नोट भेज के सुनना स्टार्ट किया तो ऑबियसली आप माशा फनकार हैं हैं तो बंदे का दिल करता है मुझे कोई देखे तो मेरे पास फेसबुक का अकाउंट तो था लेकिन मुझे सब मुझे पता नहीं था कि लाइव कैसे जाते हैं फिर है? मैं से फिर मैंने एक दोस्त है वो प्रोड्यूसर भी हैं सिंगर भी उधर लंडन में मैंने कहा यार फिर आज मुझे बताओ कि लाइव कैसे जाते हैं कह रहे अच्छा फिर उसने मुझे बताया कैसे करके ये करना है वो करना है मैंने ऐसे अपना सफर स्टार्ट किया तो फेसबुक के ऊपर मैंने अलेवन हंड्रेड शोज किए हैं

फिफ्टी फाइव थाउजेंड आगे लाइव लाइव माशा लाइव आगे मैं माशा ठीक है बस पता क्या मेन चीज होती है आपकी कंटिन्यूएशन ठीक है जी और कंसिस्टेंट रहे आप। और फिर आप पता क्या आप अपने साथ सुनती रहे मैंने ये काम करना है रास्ते में जो प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है वो तो आनी ही आनी है वो तो पक्की बात है आपको अकेले बैठना पड़ता है ठीक है जी तो फिर साथ अल्लाह से दुआ करनी पड़ती है तो फिर सारे जी रस्ते फिर सारे रास्ते खुलते हैं ऐसे आपको आप जो मैंने एक चीज़ आपके बारे में नोटिस किया है वो ये है कि एक आपकी ये पर्सनैलिटी का हिस्सा है कि आप पॉजिटिव बहुत से हैं सुंदर सुन सक तुम थोड़ा सा जाओ तुम इस तरफ वो इधर मैं रख देता हूँ बैठो 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 जानी तू बैठ

नहीं उनके रखती है अच्छा। है 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 अच्छा किधर वो तो मेरी ठीक इसमें इसमें शुगर डाल डाल दी ये चीनी अभी देते हैं दो चम्मच कर दीजिएगा प्लीज पहले पता क्या मेरे दिन में आया आपको कल का प्रॉमिस किया हुआ है कल क्या कर लो मेरी तो दोस्त भी है तो उनसे भी मिलकर जाऊँ मैंने कहा नहीं

कुछ टुगेदर है अच्छा लोग आए कह रहे थे कि से 70 लोग हैं सही सही तो है। है। सही सही है सही है सही है 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 तो आपने कुछ कोई और सिंगर शायद मैंने कहा ठीक अच्छा मैं आपसे पूछ रहा था कि जब हाँ। आप अभी जब आप लाइव करते हैं तो इसके अंदर जाहिर सी बात है आपको प्यार तो मिलता ही है साथ हाँ। साथ थोड़ी बहुत लोग अजीब अजीब बातें भी करते होंगे पहले शुरू होना शुरू हो गया था क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत मोटी है ठीक है जी तो वो आपको तजर्बा फेसबुक से आ, उसके बाद से मैंने आ, क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे हाँ जी यूट्यूब चैनल पे ठीक है उससे एक्सपीरियंस हो गया था ज़्यादा फेसबुक से हुआ लोग लिखते थे या, क्या क्या चीज़ें आपको लिखते थे नहीं बस आ, सुने आ, अगर आपको हंड्रेड कॉल्स आती हैं या हंड्रेड मैसेज आते हैं तो उसमें से दस बारह होते हैं जो अच्छे नहीं होते तो मैं उनको यही जी लिख देता था थैंक यू वेरी मच शुक्रिया इन शाह आप मेरी मोहब्बत में आने ही वाले हैं <laughs> झगड़ती <थीगी> बहुत बहुत अच्छा है या झगड़ता समझे वो आपकी मोहब्बत बस आने वाले चाह तो भाई मैंने ना एक मैंने एक पोल रखा था अपने इंस्टाग्राम के ऊपर उसके ऊपर पोल नहीं था एक क्वेश्चन आंसर मैंने लोगों से किया था के भाई चाहत भाई आ रहे हैं तो आप जरा काइंडली अपने अच्छा 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 है आ, तो बहुत जबरदस्त आप कि आपने बनाई शुक्रिया आपको चाय पसंद आई हमारे घर की तो खैर मैंने उसके ऊपर लिखा था कि बताएं आप लोग का क्या सवाल है चाहत भाई हमारे पास आ रहे हैं तो कुछ सवाल वगैरह मेरे पास पड़े हुए हैं मैंने कहा कि मैं आपसे पहले जरा सवाल कुछ हो जाए कि जो लोगों ने पूछे हैं हमसे तो बातें होती रहेंगी एक सवाल है जी जी हु वाज योर फर्स्ट क्रश आ से निकले जात भाई के अंदर चाय के अंदर बिस्किट डालते हुए डुबोते हुए bitte एक दो टिश्यू ये 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 टिश्यू लें आप 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 हुकुम करें शावीर ने चीजें तैयार रखी है सारी सब आज कुछ अगर आपको कुछ शावीर ने कहा शावर शावर का इंतजाम भी है कमी नहीं, नहीं होनी चाहिए इतना प्यार है जनाब चुकुजी भी रेडी है <laughs> आज तो पार्टी होगी <laughs>

तो क्या कहते हैं हाँ अच्छी खूबसूरत लड़की है। और उनके जो जिसने पायल पहनी होती थी, थी मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है पायल जिसने पहनी होती थी अच्छा हाँ, तो पायल आपकी पायल। वीकनेस थी जहाँ पायल छा अच्छा जहाँ पे, बस वहां पे जैसे, जैसे ये पहन ठीक है छोटे आंखों में काजल सुरमा लगा हुआ हो नाक में वो हो पाओ में पायल हो तो ये मुझे अच्छा अच्छी लगता था लेकिन मैं प्यार के मामले में फेल हूँ वो इस वजह से हद तक देख लें आई एम वेरी जॉली लेकिन उस उस दौर में उस दौर में टीन एज में लेकिन अब माशा कामयाब है <laughs> कितने कामयाब <बहुत> <laughs> थी। थी। है ब्लश भाई रेड हो हैं बिल्कुल पता क्या क्योंकि लाइफ का एक्सपीरियंस आपको हो जाता है टीन एज में आप तो पहले तो हेजिटेशन होती है कि बात कैसे करनी क्या करूँ देखना कैसे है तो मुझसे झूठ नहीं बोला जाता उस दौर में भी ना अब अच्छा झूठ नहीं बोला जाता मैं मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं बोलता और स्पेशली अगर आपने अगर आपने इश्क मशूकी का खेल खेल लें तो इसमें आपको झूठ का तड़का लगाना ही पड़ता है बिल्कुल ठीक है और मेरा दिल नहीं करता था अगर मैं किसी के पीछे पीछे जाऊँ मोहब्बत करूँ उसको फ्लावर दूँ खाने खिलाऊँ तो फिर बाद में कहूँ अच्छा मैं आपसे शादी नहीं करूँगा ये दिल तोड़ना झूठ नहीं बोला जाता हाँ मुझसे झूठ नहीं बोला जाता नहीं लेकिन आपका शादी का प्लान भी नहीं बना कभी नहीं अब का, कामयाब जा रहा था अच्छा, तो नहीं मैं पहले, मैं पहले लड़कियों पहले के पीछे जाता था।, था लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता था कि मैं तुम्हें शादी का वादा नहीं कि शुरू से ही वो होता था नहीं यार किसी के साथ जाती नहीं करती ठीक है मेरा ये स्टाइल था वरना जिस जैसे लड़की अट्रैक्ट होती थी ये नहीं कि नहीं हो जी होती थी ठीक है हाँ तो बस शुरू से ये था कि बस ठीक है हंसो खेलो चलो अपने और मेरा फोकस ज़्यादातर होता अपने काम की तरफ जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में था स्टडी की तरफ क्रिकेट खेलनी मेरा ज़्यादा वो होता था जब पंजाब यूनिवर्सिटी में आए हैं तो फोकस ज़्यादा होता हाँ जी हाँ खूबसूरत लड़के देखने के लिए इंग्लिश डिपार्टमेंट में मैं चक्कर लगाता था यस उसके बाद साइकोलॉजी के साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट में यस मैं जाता था देखने जब लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज था बड़ी लड़की ना <laughs> चक्कर चक्कर पता बोल सकते ना, चाहत भाई किसी को चाहत भाई के बेसिकली जो चाहत भाई मेरा ख्याल कहना चाह रहे हैं जो मैं समझा वो ये क्या आपके अंदर कभी भी चलाकी नहीं थी हा हा ये भाई अह हाँ, चलाकी नहीं, थी। चलाकी नहीं, चलाकी नहीं थी आ, चलाकी आ, नहीं थी मासूमियत थी शुरू से भी सक... है मुझे लगता अभी भी वो है 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 वो भी तक अभी ठीक <laughs> जी वो अभी भी है कि सीधा सीधा सुंदर लाइफ सीधी सीधी अच्छी लगती है बिल्कुल सही है अगर आपके साथ जी बैठा हूँ तो मैं आपका ही हूँ ये नहीं कि मैं पीछे जाके मेरा ये स्टाइल नहीं है इस वजह से उधर हम गए नहीं क्योंकि इस काम में आपको झूठ सच कर करना पड़ता, वरना फिर बंदर को चैन नहीं आती। सही बात है। ये बात है। सही बात बात। बात। है। ये तो। अच्छा पता <laughs> <तोकि अब laughs> <laughs> क्या ये हम सब इंसान है ठीक है तो ये जब आप टीन में होते आपकी नहीं होती सोच ऐसी लेकिन यस के उस बहुत जो क्लेवर माशा जो बच्चे होते हैं उनकी होती है अब ये है कि मुझे पता है मैं इजहार कर सकता हूँ अब, अब आप कॉन्फिडेंट हैं अपनी एबिलिटीज के ऊपर शुक्र अल्लाह का जी 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 तो आप अच्छा एक आपका गाना था ए बी सी उसकी, उसकी बता रहा हूँ उसकी उसके पीछे क्या स्टोरी है ए बी सी गाने की क्या जरूरत अब देखिए उस्ताद मेंूम अपनी हर तीसरी चौथी क्वालियर में सरगम करते थे बिल्कुल ठीक है जी तो मैंने जब आप मैंने ज्यादा कर लेते तो आपका दिल करता कि नई से नई कुछ ना कुछ ईजाद किया जाए तो मैंने ए बी सी को वन टू थ्री को और अरे पे को इस फील्ड में लेके आ गया सरगम में सरगम में, हाँ। आपने अपनी सरगम क्रिएट किया जी 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 नई सरगम क्रिएट नई सरगम ठीक है जी उसकी जरूरत क्या पड़ी लेकिन जब आप बहुत नशे में आ जाते हैं जी गाते गाते तो आपका दिल करता है कि डू समथिंग डिफरेंट और साथ पता है जैसे एबीसी है वो जो आजकल के नए जो नए लड़के लड़के हैं मेरे जो ट्विटर के इंस्टाग्राम के ऊपर तो उनका भी तो उनको उनका भी उनको भी मजा आता है कि साथ थोड़ा सा रैप आ गया रैप भी करते हैं आप चाहे भाई ਉਸ ਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਪ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਏ ਪੀ ਸੀ ਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਅਬ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ ਗਾਣਾ ਹੈ ਅ ਅੱਖੀਆਂ ਉੜੀਕਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਉੜੀਕਦੀਆਂ ਉਹ ਦਿਲ ਵਜ ਮਾਰਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਉੜੀਕਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਜ ਮਾਰਦਾ ਅਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ले के माशा तीन साल से भी ऊपर आज में मस्जिद में जुमे की जब बाहर निकला तो कम अज कम नाइनटी से हंड्रेड प्यार करने वालों ने मुझे घेर दिया उसमें सारे के थे छोटे बच्चे बच्चे भी फोटोग्राफ हैं और ये खुशी हुई है कि नीली भाई पास, पास क्या हाल है मेरे साथ तस्वीर चाद भाई आपका जो जो लेवल ऑफ फेम है स्पेशली मैं कहूँगा इस साल जो है वो बहुत ज्यादा वो दस गुना बढ़ गया है पिछले साल से क्या आप इसको सही क्या इसको सही कहेंगे आपकी यही इसी तरह है दस गुना दस पंद्रह गुना बढ़ गया तो सवाल मेरा ये है कि फ्रॉम गोइंग फ्रॉम नॉट वेरी पॉपुलर टू नाउ एक्सट्रीमली पॉपुलर इसके अंदर आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है अपनी ज़िंदगी में अब आप, आप अपनी ज़िंदगी को अब किस तरह मैनेज करते हैं क्योंकि मुझे पता है आपके शोज़ भी होते हैं डेली के आपकी वैसे वर्क लाइफ बैलेंस का आप बैलेंस किस तरह करते जी हैं जी वर्क जी जी और लाइफ को और स्पेशली जब आपको लोग मिलते हैं आपकी कोई अब प्राइवेसी इतनी नहीं ठहरी है अब कहीं भी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं लोग आ रहे हैं तस्वीर खिंचवाने बहुत ज़्यादा तंग तो आप तंग वगैरह तो नहीं होते आप बैलेंस किस तरह करते हैं मैं पता जब जनवरी फरवरी टू में सोच लिया कि मैंने सिंगिंग ही करनी है तो ये मैंने दिन के वक्त सोचा करता था साथ मेहनत करता था यार अल्लाह करे कि एक टाइम आएगा कि मुझे सब पहचानेंगे और मुझे ये था कि मैंने अपनी आवाज़ का आदि बनाना लोगों को प्यार करने वालों को वो और फिर उसके बाद कब ये टाइम आएगा कि जब मेरे गाने रिलीज़ होंगे जब मेरे रिलीज़ करता मुझे बहुत खुशी होती है कि वो मैंने <coughs> सोचा करता था अल्लाह से दुआ करता था कि मेरे जी ट्रैक्स आना शुरू होंगे तो छः साढ़े साल के बाद शुरू हो गए फिर

ये सारा अल्लाह का कदम होता है आ, मैंने तो अपनी तरफ से मैंने तो स्टार्ट किया ना उस्ताद अली खान साहब को देख के लेकिन याद रखिएगा कि जब मैं मैट्रिक एफ मेट्रिक एफ, एफ, एफ में था तो उस वक्त मैंने ग्रुप भी ज्वाइन किया म्यूज़िक का अच्छा आ, उसमें डफली बजाना छना बड़ी कलरफुल जीने तो जी, सारा कुछ पहन के पीछे पीछे, पीछे मेन सिंगर के गाना फिर डांस भी करना डांस का शौक शुरू से था ठीक है तो तो अब जब डिसाइड किया तो फिर ऐसे माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा नहीं मैं आपसे पूछिए रही थी कि जैसे एक ओरिजिनल गाना होता है उसमें बंदा एक थोड़ा सा अपना टच रखता है ना कि डिफरेंट रखे आपको जो गाना है, different होता, different होता, होता, होता है कंप्लीटली डिफरेंट होता है वो इसलिए क्योंकि पहले ये बनाते हैं ओरिजिनल बाद में बनता है जाहद भाई पहले अपना स्टाइल में एक गाना गादरते <laughs> <laughs> हैं पता क्या है मैंने किसी की नक़ल नहीं कर रहा बिल्कुल हां यही मैं आपसे पूछने लगी थी कि आपका इसके पीछे क्या आइडिया होता है ज्यादातर सिंगर है वो नकल कर देना ना किसने किसी ना किसी के उस्तादों की किसी ना किसी डी सिंगर की मैं नकल नहीं कर रहा मेरा अपना ही जी स्टाइल जो मुसलमान प्यार करने वाले आप सब जी पसंद करना शुरू हो गए अच्छा फिर अच्छी बात है कि सब शेयर करते हैं बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल एक बिल्कुल, वो हज़ार से लाखों में वीडियो चले जाती है लाखों में करोड़ों से फिर हाँ 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 अच्छा अब इसके अंदर आपका जो माशाल्लाह जो आपका बिजनेस बन गया ये अब पहले आपका क्या काम था पिछले ढाई साल से यस आपका अभी यही काम है ना पिछले ढाई साल से मेरी जो इनकम मेरा जो रोजी यही है लेकिन उससे पहले मैंने जो लंदन में

Okay. लगे कितने लगे साल हो गए अच्छा स्थे अच्छा स्थे मुझे लग रहा था कि आप शायद पांच साल नहीं, नहीं, साल तो ले ले तो आपने ज्यादातर ज़िंदगी लंडन में ही गुजारी है लेकिन थर्टी फोर में बारह साल में इधर रहा हूँ ऐसे कि मैं जब भी आता था दो तीन चार पाँच छह महीने इधर मैक्म तो मैं साथ ही लिखता लिख लेता था किस साल आया दो महीने फिर मैं ढाई महीने यही होता था दो तीन चार पाँच छ महीने तो मैंने काउंट किया कि महीने पहले वो बारह साल बने थर्टी फोर में थर्टी फोर ईयर और कोई भी नहीं था सिर्फ दिल करता था लाहौर चला जाऊँ या लंदन में बस और कहीं पर मैं नहीं गया ब्रिटिश पासपोर्ट पच्चीस साल से है किसी कंट्री में नहीं गया अब शुरू हुआ <laughs> सबसे पहले मक्का मक्काशी वीनाशी जी गया माशा फिर उसके बाद अब दुबई और ओमान जी उधर शोज वगैरह की है। हाँ तो था था तो बस ये बस दिल करता कि पाकिस्तान जाया जाए आप क्या जो अभी अभी तो माशा अल्लाह करे और माशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा कॉल्स आ रही होंगी शोज, शोज वगैरह की दुनिया भर से कहाँ आप जा चुके हैं और कहाँ जाने का शौक कौन कौन सी कंट्री फरवरी की पंद्रह शो है ट्वेंटी थर्ड को इसका मतलब कैनेडा कंट्री लो जी मैं कनाडा से ही हूँ अच्छा आप कब आ रहे हैं कनाडा जो अच्छा, शो हैं टोरंटो में जी टोरंटो में और दूसरा कौन सा जी बड़ा शहर है तीन वैनकूवर होगा अच्छा टोरंटो वैनकूवर ऑटोबा होगा मॉन्ट्रियल में नहीं मॉन्ट्रियल ये तो तीनों जगह आपको नजर आएगी आपको छोटी सी आप, आप मुझे बात कर रहे हैं कि कब है फरवरी में आप कैनेडा फेब के अंदर चाहत भाई कनाडा आ रहे हैं जितने भी मेरे कनाडा के बॉयज हैं सारे पहुंचो शो लव शो सपोर्ट ओके मैं भी ये स्ट्रिक्टली सबको कह रहा हूँ कोई पॉडकास्ट नहीं कर रहा फरवरी में आई एम इन तो मुझे आप ऐसे मैनेजर हायर कर लें पता है आपका काम दस गुना बढ़ जाएगा बिल्कुल <laughs> 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 ठीक हो गया हम हाजिर हैं आपके लिए आ, हम हाजिर हैं आपके लिए चाह रहे यार क्या बात करें अच्छा सही सही आपने एक जो आपका सबसे वायरल सॉन्ग है तुमने चाहत भाई के तो मैं पता सबसे वायरल सॉन्ग कौन सा चाहत भाई का कौन सा अच्छा मैंने यू यू कर रही है नहीं, पता नहीं मैंने बहुत सारे सुने ना क्योंकि उनके वीडियोस आते हैं ना भाई क्या जो सबसे वायरल सॉन्ग है ना वो है पीएसएल वाला गाना उससे पहले मेरे दो हिट हुए थे लेकिन पीएसएल से तो जो मुझे नहीं भी जानता था वो जानना अच्छा पी मैं कहता हूँ कि वो जो गाना एक सेकंड चाहत भाई वो गाना हम लगा सकते हैं जी लगाएं, 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 एक सेकंड जी, जी। सर एक ये देखो वीडियो निकली पड़ी है जानी तू पता क्या शहीद ये देखिए सारे ये अल्लाह के काम होते हैं ये मेरा सबसे रिलैक्स सॉन्ग है अभी तक जितने मैंने गाए हैं ना ये अल्लाह तला की तरफ से होता है किस गाने हिट होना कमाल इसको आप इस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके सबसे रिलैक्स सॉन्ग ये जी जी ये जो, जो इस गाने का नाम है ये जो प्यारा पीएसएल है पीएसएल प्ये, है जी। इस पे 1.3 मिलियन व्यूज ना चाह भाई बट निप नहीं पैकेज पता नहीं कितना हां WhatsApp पे तो पता नहीं कहां-कहां गया तो कहां तो कहां होगा बिल्कुल तो ये भाई मुझे ना

एक सेकंड सेकंड दोबारा से दोबारा थ्री टू वन को ये जो प्यारा झंडा है ये जो प्यारा झंडा है ये जो हमारी शान है ये जो हमारी पहचान है ये जो आपकी पहचान है ये जो प्यारा झंडा है ये जो प्यारा झंडा है उसमें डंडा है डंडा है अब जब ये रिलीज किया ना तो नहीं रिलीज नहीं किया मेरी सुनने कि मैं जो भी गाना रिलीज करना होता है उसको छह महीने पाँच छह महीने पहले थोड़ा थोड़ा गाना शुरू कर देता हूं अच्छा। <laughs> that's, वो that's new, है। yeah. तो उन्होंन... ये नहीं करता अच्छा, कोई भी नहीं, नहीं, नहीं करता नहीं सबको पढ़ा जाती मेरी कॉपी ना चले जाए ऐसे कर ठीक है ठीक है जी ठीक है तो तो ऐसे प्रति ऐसे तो दोस्त नहीं नहीं यार वो मेरा क्यों मैं अच्छा जिन्हें आप कुछ कुछ करना कर लेते हैं तो इससे मेरा ये हुआ कि मैं छह महीने साल पहले गाना शुरू हो गया ठीक है जी जब मैं पूरा तैयार हो गया तो फिर मैंने रिकॉर्ड किया उसको ठीक है तो कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कहते झंडे में डंडा दे दिया झंडे में डंडा दे दिया कुछ लोग ऐसे कहते चेंज कर रहे हैं मैं क्या मेरी बात सुनी जब मेरा वीडियो आएगा ना तो फिर देखिएगा जब मेरा वीडियो आया उसमें मैंने यही शो किया कि वी आर पाकिस्तानी नेशन हमारी मुसल्ला आबाज स्ट्रांग अभी चेक करने देखें वो वीडियो जो मेरा पहला जो तो है तो कि हम स्ट्रॉन्ग हैं ठीक है हमारी मुसल्ला आबाज स्ट्रांग है ठीक है जी यही इसके अंदर यही है लेकिन डंडे से मेरा ने दिया स्ट्रॉग स्ट्रॉन्ग नेशन ठीक है इसके बाद आया छः हफ्ते बाद तुन तन तुन ढग निकनक ढग निकनक निक ढग ढग निकनक ढग निकनक निक निकनक निकनक निक निक, तुन तन तुन तुन तन तुन सोनी है सोनी है ओए नाच ओए नाच ठीक है जी थी, ठीक है तो, <laughs> ये इशारा जैनब की तरफ गया अब था। ये जब कला सुने ना भाई जब अपनी पूरी लाइफ की जो बता रहे कि मेरा कैसा सफर जी चला जब ये दूसरा रिलीज किया उससे भी लोग ये क्या तुन तो मेकअप नहीं मेकअप गाना है ये भंगड़ा है जी जब तो पूरा जी आप सुनेंगे जब मेरा वीडियो आएगा तो आपको मैं डांस करते हुए नज़र आऊंगा जो फीमेल्स होंगी वो डांस करती हुई नज़र आएंगी ये मेरी वर्डिंग है ना तुन था अच्छा जी वर्डिंग कहाँ से ली फिर मैंने कहा ये वर्डिंग आप मैंने कहा अक्सर पाकिस्तान जब आप जाते हैं तो सुबह के वक्त चिड़िए चिड़े होते हैं वो दरख्तों के ऊपर जो होते हैं काफी ज्यादा तो सम जो चिड़ी चिड़ी होते हैं तो ऐसे कहते हैं चोचे मिलाते हैं तो तन तुन, तुन तो वो मैंने मदद नजर गाना अच्छा वहां से इंस्पिरेशन आया आपको बेसिकली इस गाने ठीक है जी हाँ फिर उसके बाद ना तीन चार और गाने रिलीज किए लेकिन जब फरवरी में पीएसएल का रिलीज किया हाँ। वो तो वो तो बहुत ही वायरल हो गया जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जो कि बेसिकली असला कमिन कमेट आज तो चाहत भाई आपसे मिलने यानी कि लोग आए हैं मैं तो कह रहा हूं तो आ, बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग गानों को एंजॉय करते हैं और बहुत सारे लोग सुन के एंजॉय करते हैं लेकिन शायद उस तरीके से जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो लोग हंसते भी हैं लोग अच्छा। यानी कि ट्रोल भी करते हैं बहुत बहुत कुछ करते हैं उन यानी कि आपकी इंटेंशन यही होती है नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। मैंने अल्लाह से ये दुआ किया करता था कि यहाँ परदगार पूरी दुनिया की नहीं सिर्फ पाकिस्तानी अपनी नेशन की कि जो सिक्सटी परसेंट पॉपुलेशन है वो है अंडर थर्टी वो मेरे गाने पसंद करना शुरू हो जाए तो वो शुक्र अल्लाह का माशा वही काम हुआ है ठीक है दो दो तीन तीन साल के बच्चे भी मुझे पहचानते हैं

50, तो बैठे, आओ, अच्छा जी, ताजी तुसी जी, बैठे 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 पहचानते हाँ हैं है, आपको, आपको है? जब, जब कोई है, ब्लड से हंसता है या मजाक उड़ाता है आपको अच्छा सुने आप माइंड करते हैं है, आप सीरियस रहते हैं आप हंस के निकाल देते हैं आप कहते हैं लेकिन सुने बाहर इतनी दुनिया मिलती है कभी बाहर कभी किसी ने कुछ किया ये सिर्फ ऑनलाइन ही सिलसिला चल रहा बार सुन कभी किसी ने जी ने कुछ नहीं, नहीं किया हाँ ये जरूर जी चेक करते हैं जब मैं पास से गुजरूंगा मेरा कोई ना कोई जी गाना कमीर तेरी काली ऐसे जी गा देंगे या लोटा लोटा बम बम लोटा ये, लोटा, जी, जी, ये कर रही ये, ये, ये क्या, क्या है लोटा लोटा बम बम ये वही है जो मैं समझ रहा हूँ या ये कुछ और बम और लोटा यानी के हेलो नहीं ये है कि पिछले चार पाँच सालों से ना लोटे का जिक्र ऐसी दुनिया जी करती थी, थी। ठीक है ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया कि लोटे के ऊपर कुछ लिखा जाए फिर ये किया लेकिन डांस नंबर जी बनाया डांस नंबर पता नहीं जब मैंने थोड़ा थोड़ा गाना शुरू किया तो पता नहीं कौन सी पार्टी वाले थे वो कह रहे थे शायद उनके लिए मैं क्या नहीं आया तो रिलीज़ मैंने किया साल के बाद फिर वो कह रहे अच्छा उस पार्टी के मैं के, मैं किसी पार्टी में नहीं यार ठीक है जी ये मेरी अपनी आ, सोच है ठीक है जी मैं आ, चाहता हूँ कि जो मुझे देखते हैं सुनते हैं वो इन्जॉय करें अब लोटा लोटा बड़ा हिट गया लोटा लोटा बम 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 लोटा बं, बं, बं। लोटा बम 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 कोई छोटा लोटा कोई व्डा लोटा बम 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 तू भी लोटा

आपकी जो वाइब है वो बहुत पॉजिटिव है आ, इसी वजह से मैं सबको कहता हूँ भी गाना गा सकता है कोई भी पतली बात मोटी वार, वार, सिर्फ दरमिया मेहनत करने की जरूरत होती है ठीक है जी तो जब आप मेहनत करेंगे तो फिर रंग आ ही जाता है। आ ही जाएगा बिल्कुल जी, जी, हमारे पास आपके लिए कुछ गेम्स हैं अच्छा मैं समझा कह रहे हैं कि

कोई गेम खेलनी मैंने कहा अच्छा कौन सी गेम खेलनी अच्छा तो कुछ ना वो अ, एक्टर्स भी दिए तीन तीन प्लेयर्स दिए हैं तीन वो दिए हैं क्या कह रहे हैं पोलिटिशियन तो ऐसे क्वेश्चन थे मैं शायद माशा जी ये भी वही चीज़ है नहीं 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 हम लोग हम लोग वो नहीं करेंगे अच्छा कोई नहीं नहीं ठीक मैं तो ऐसी मैंने कहा था कि प्लीज अगर आपने तीन एक्टर्स की चॉइस दी तो एक नॉर्मल सिटीजन की चॉइस भी दी ठीक है जी अगर आप पॉलिटिशियन कीजिए आप किसके साथ सफर करना पसंद करेंगे तीन पॉलिटिशियन आते हैं तो साथ किसी कॉमन सिटीजन की भी देंगे। हाँ, कोई तो साथ कोई आप अपने आपको वैसे नॉन पॉलिटिकल करते हैं आ, नो कॉमेंट। नहीं। <laughs> देखें नहीं पॉलिटिक्स का शौक नहीं है लेकिन जितने प्यार करने वाले मुझे पिछले तकरीबन चार पांच सालों से कह रहे जी पॉलिटिक्स में आए पॉलिटिक्स में आए पार्टी वालों ने रबे किए

ये मैं क्या सुन रहा हूँ चाहत जी जी, जी, जी। आप पॉलिटिक्स में आने का ऐलान कर रहे हैं मैंने लेकिन अगर हाँ लेकिन उससे पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वोट हो जाए फिर इजी है आसान है आसान है ठीक है जी फिर मैं पाकिस्तान के हर हर सीट के ऊपर अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकता हूँ क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है जिस मैं आपको कह सकता हूँ आप इस कंस्टिट्युंसी में घर पे बैठे इलेक्शन लड़े ने घर पे बैठे वी नो नीड जलसे जलूस सेव द मनी वी विल डू रहा है ठीक है ठीक है जी जितने पैसे जलसों पे खर्च होते हैं और लोगों का टाइम जाया होता है पिछले पच्चीस तीस सालों से यही हो रहा है नही जलसे जूस खाने पीने नहीं नहीं वही आप बना देंट शेल्टर्स बना दें खाने पीने की और जी बना दें ऐसी चीजें वैसे हेल्प कर दें कुछ गरीबों के लिए

क्या मतलब पिछले चार पाँच सालों से मुझे कहा जाता है बना के प्राइम मिनिस्टर चाहते नहीं यार शुक्रिया बहुत से बैनर्स वैसे अगर आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए जी जी सबसे पहले वो कौन सी चीज़ है जो आप चेंज करना चाहेंगे ये श, ये पता कि शहर ये होगा मैं जो कहूँगा वो मैं करूँगा ये मेरी सबसे पहले तो ये मेरी ठीक है ठीक है जो मैं कहूँगा आप कहेंगे क्या फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आ, मैं जनाब ये करूँगा कि जलसे से जुलूस बिल्कुल नहीं होने चाहिए टाइम ज़्यादा ना करो कौन होता प्लीज ठीक है जी और पैसा भी ज़ाया हो रहा है ठीक है हाँ, हाँ पैसा वही पैसा जो गरीब स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप कर दिया जाए ठीक है जी कहीं इतनी इतनी ज़मीनें हैं इतने इतने, है, इतने बड़े घर हैं तो गरीबों के लिए भी छोटे छोटे घर बना दिए जाए ठीक है गरीबों के लिए घर बनाए छोटे छोटे घर बना दिए जी हाँ है। दो दो बेडरूम के एक एक बेडरूम के तीन तीन बेडरूम के ठीक है ऐसे काम ठीक है जिसमें आवाम के पत्ती भलाई हो अब जिसमें यहाँ के जो हमारे लोग हैं हमारे प्यार उनकी आ, वो उनकी लाइफ ईजी हो मेन होता है कि लाइफ ईजी की जाए ठीक है जी और बाकी ये बिजली गैस ये बहुत छोटे छोटे काम बिजली गैस ये बड़े छोटे छोटे से जो काम है तो बकेला खैर अच्छा चाहत भाई आपके लिए जो मैं जो गेम है चोर 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 <laughs> तू चोर 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 तू चोर 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 तू चोर 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 तू चोर चोर तु चोर वो मेरे दिल द चोर वो मेरे दिल द चोर सर जग बिच जग बिच जग बिच जग बिच पै गया पै चोर 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 तू चोर 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 वो मेरे दिल द चोर हमने हमने ना उस मेरे चढ़ मेरे चढ़ तेनू

सुने, सुने से से नहीं पता क्या बात है म्यूजिक तो चेंज होता है इतना कि नहीं म्यूजिक अब जैसे अब जैसे अब जैसे सुने मेरी बात हाँ. वो है कि जैसे लोटा लोटा बम 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 उसके बाद बमीर तेरी काली

कमीज तेरी काली कमीज तेरी चिट्टी कमीज तेरी लाल कमीज तेरी गुलाबी <laughs> और कदी लालई कदी पाली मैंने है कि अच्छा। तेरी फैसला तो किया अच्छा कमीज तेरी फैसलाबाद तो कमीज तेरी कनाडा तो कमीज तेरी लाहौर तो कमीज तेरी शिखुपुर तो ओ कदी लालई कदी पाली मेरा कंप्लीटली डिफरेंट है

गोलगत्ता गोल तारा जैसे जिंदगी गोलगत्ता है ना बिल्कुल वो ऐसे, ऐसे ही ये सुंदर पैदा होते हैं छोटे फिर ऐसे सब बड़े फिर नौजवान फिर मिडिल uh, एज फिर बढ़ापा तो फिर उधर ही आ जाते बचपन की तरह हां बचपन बिल्कुल ऐसे ही सर्कल ऑफ लाइफ सर्कल ऑफ लाइफ पे आपने बेसिकली सर्कल ऑफ लाइफ गोलगत्ता तारा बिल्कुल वही फिर उसके बाद बोल कफारा बोल कफारा जिंदगी फेफारा हम बच्चे होते हैं जबरदस्त मतलब फेफ 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 जब चलते ना ऐसे जाते हैं फलूर जा रहा होता है बेशक मेरे जो गाने जो मैं लिखता हूँ वो इंटरटेनिंग है लेकिन उनके पीछे मतलब जरूर होता है वो फिर मुझे समझाना होता है को नहीं पता चलता मैं कहता नहीं मीन जब फवारा चलता है हम ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं अच्छी यार। Actually, अच्छी <laughs> अच्छी सोच 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 है 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 यार नहीं मुझे खुद गाने में शेक्सपियर ये सिर्फ चाहत भाई ही कर सकते अच्छा चाहत भाई हम चाहते हैं कि आप मेरे और स... यानी कि हाँ। कुछ सिचुएशंस में आपको देता हूँ आपने उस पर ऑन द स्पॉट कुछ गाना गाना जी जी बताएं लेकिन एक अब... सेकंड जी, जी जी जो है ना यार वो जरा इंस्ट्रूमेंट देना जरा प्लीज जी जी हम लोग ने बड़ा प्रेपरेशन किया आप यकीन करें बड़ी मुश्किल से मंगवाए अच्छा, यहाँ ये दोनों थे तो दोनों थे दफली तो मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट था अच्छा हाँ ये सुंदर सुझाएगी ये तो मजा और एक पियानो भी था प्यानो भी था छोटे अच्छा प्यानो, प्यानो, था। हाँ, प्यानो नहीं हमारे पास लेकिन हमारे पास आ, ना यकीन करें आप क्या कलरफुल जी कलरफुल ये मैंने सिर्फ आपके लिए पता है कलर मुझे पता है आपको बहुत पसंद है जबरदस्त जी हम लोग बजाएंगे ढोल जी जी और आप गाएंगे गाना ठीक है, है जी जी, जी। तरह, वो 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 सही है बीट के साथ यार अपनी अपना ना ऑन हो जा तो सही है बीट के साथ करना नहीं कर सकते हम जो चाहत भाई हमें एक वो हाथ पकड़ाएंगे चाहत भाई आपने ना जरा आप मेरे पे भी गा सकते हैं या आप आज की पॉडकास्ट ऑनस्टावर पे भी ठीक है सोचो सोचो हम बीट डिसाइड कर लेते हैं हां बीट वो 1 2 3 चलिए आगे जी आगे 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 सर रोके 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 सुंदर साहब को सुंदर साहब को सीटी बजानी आती है सीटी सीटी वाह सुंदर साहब सुंदर चले बहुत ठीक है ये

आपके लिए आपके जितने भी देखने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी है कि मैं लंदन में डेढ़ घंटे की एक मूवी शॉर्ट मूवी कंप्लीट चिक करवा के आए उसका नाम है सबक आहा उसमें आपका रोल क्या है मेरा मेन रोल मेरा है वो जबरदस्त वो है जी मेरे ऊपर है तो मैंने बड़ा एंजॉय किया चार दिन में हमने कंप्लीट कर दी सुन दस चार दिन में चार दिन में पूरी मूवी एक डेढ़ घंटे की डेढ़ घंटे की हाँ हाँ जिन्हें लेकिन वो थी आ, एक बड़े घर में ना फिल्म कर दी सर ओ, और क्या थीम है उसका? क्या उसका क्या उसका मेन थीम सारा जी मेरे ऊपर मेरी थी आपकी लाइफ के ऊपर अच्छा नाइस हाँ, सबक मीन के आ, सबक, के, हाँ, सबक लो यानी कि सीखो लेसन स्टोरी एक 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 ना जरा से बात कंटिन्यू ही रखे मैं जरा दो मिनट में आया लेसन जरा बात करूंगा वॉशरूम जी स्टोरी बड़ी अच्छी स्टोरी जी थोड़ी सी एक आ, मेरा रोल ऐसे जैसे हम अच्छा देखकर सुन रहे जी कितनी अच्छी बात कि पूरी दुनिया में आ, मुझे अक्सर कहते मुर्शद चाहे मैं कहने मुर्शद नहीं, नहीं उस्ताद जी उस्ताद जी प्यार से प्यार से ठीक है, 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 है तो वो स्टार्ट ऐसे ही होती है, है कि मैं किसी के घर जाता हूँ सिखाने के लिए तो वहां पे डाका पड़ जाता है अच्छा <laughs> लेकिन पूरी आपकी लाइफ और... जी और ये नाम लेसन भी के ऊपर अच्छा आपने एक अपना गेटअप पूरा बनाया हुआ ना एक डिफरेंट लंबे बाल और फिर अंगूठिया ये आपका शुरू से इस तरह था या ये विद टाइम मेरा शुरू से जब जो मुझे जानते हैं मेरे दोस्त यूनिवर्सिटी में मेरी ऐसे होती थी लंबी सी अच्छा

मेरे और छोटो छोटे भाइयों ने भी जी रखे बाल अच्छा आप लोग सबको लंबे बालों का शौक है लेकिन अब, अब तो उन्होंने तीन दिन जी रखे थे लेकिन अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। ज्यादातर जी यही जो छोटे और साइड से ऐसे मैंने रखी कटिंग चार पांच साल हर महीने कटिंग हर महीने कटिंग हाँ ये जिस तरह ये वाले होते हैं अच्छा ये कटिंग और फिर उसके बाद आपने छोड़ दिए कटवाने शौक से अपने लेकिन ज्यादातर फिर लंबे रहे हैं है। इतने आगे नहीं, नहीं लेकिन ये आइकॉनिक लुक भी है आपकी पता है हाँ, ये चीज काम भी हाँ, करती है पहचान में आ, जाता ये पहचान में आ जाता। पहचान, है। पहचान के लिए काफी के बाल मैं नहीं, आप बहुत अच्छे लगे हैं चाहत यकीन करें कि ये आइकॉनिक लुक है चेंज ना करिएगा ये बहुत मजे की लुक है चाहत भाई ये कि ये जो इस्लाम आपका है नहीं बिल्कुल अच्छा ये ये कहाँ से आपके अंदर क्या, ट्विटर के ऊपर डेढ़ सौ से ऊपर ट्विटर में किए फिर उसके तो बाद टिकटॉक के ऊपर किए टिकटॉक के ऊपर दो के करीब किए ठीक है जी उसके बाद क्या अपना जो चैनल है उसके ऊपर भी जी किए हैं तो बाकी लोगों के अपने लोगों के चैनल पे थोड़े से जी कम किया तो ये आहिस्ता आहिस्ता असला बनता गया या ये था ही ऐसा नहीं ऐसे नहीं शुरू से मुझे पता है शुरू से जब आप इंथ्यूजिस्ट है यार कि मुझे लोग चीज देखें तो बस ऐसे मुझे बनता गया असलाकुम जी शेख साहब असल सुंदर कुर्बानी साहब सामान लेके ठीक है जी शहीन भाई सामान लेके हैं ज़िए। ज़िए। <laughs> ऐसे बनता क्या कहते हैं आपकी माशाल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ पे भी जाते ये सब बच्चे बूढ़े यही कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जबरदस्त <laughs> जबरदस्त अच्छा एक हमारे पास छोटी सी एक गेम है बिल्कुल लास्ट में वो क्योंकि आपको एक्टिंग का शौक है जी जी तो मैं आपको कुछ सिचुएशंस दूंगा उसके ऊपर आपने खाली आवाज के बगैर खाली एक्सप्रेशन आपने देख अपने आप को एक्सप्रेस करना है अच्छा ठीक है जी? जी, जी, जी हम एक एक करके पढ़ लेते हैं ठीक है नंबर वन आपको बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला है जी 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 जी, जी अच्छा तो उस पर अब आपने एक्टिंग करनी है लेकिन यानी एक्सप्रेशन देने आपने बोले बगैर आपने एक्सप्रेशन देने कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में ठीक है बोल नहीं सकते आप अच्छा अच्छा सही है ठीक है तो आपको बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया जा रहा है अवार्ड

जबरदस्त <laughs> अच्छा और एक आपको अब अपनी कोई पुरानी चाहने वाली दिख जाती है दी, एक डीएम से डीएम से डीएम अच्छा, मैसेजेस आप देख रहे हैं नहीं मैसेजेस नहीं रियल लाइफ में जो रियल लाइफ में आप जा रहे हैं कहीं चाय चाय हैं तो दी, आपको एकदम से आपकी कोई पुरानी साइकोलॉजी की डिपार्टमेंट की कोई चाहने वाली मिल गई अच्छा पता है क्या जब लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में था तो ज्यादा मैं हाँ मैं तो उसको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तो अच्छी जो खूबसूरत लड़की अब तो मेरे ख्याल तो काफ़ी डिपार्टमेंट हो गए तो इंग्लिश भी होती थी या साइकोलॉजी डिपार्टमेंट तो सड़क क्रॉस करके जाना पड़ता था इतनी <laughs> मेहनत तो देखने के लिए देखने के लिए <laughs> क्योंकि उन्होंने बात तो आगे बढ़ानी नहीं होती तो इमेजिन करें आप वॉक करके जा रहे हैं जी जी और ये कोई आपके सामने आपकी पुरानी

चाट नहीं मैंने कहा तुम इतने बड़े आदमी बन गए हो चाट खा के आते हैं बनो बाजार की किसके किसका कह के, किस के उस दौर हाँ। में ये माशाल्लाह आपके ये जो इलाके उस वक्त नहीं नहीं होते थे तो उस वक्त ज्यादा होती थी कि अगर आपने डेट पे जाना है या किसी को एंटरटेन करना है तो वो अनारकली के अंदर चले जाए वहां पे एक बनो बाजार वहां पे चाट और जूस बहुत अच्छा मिलता था अच्छा तो उधर जाके और जूठ

जिगरी यार है करीबी यार है और तो वो जा रहा है और अब आप उससे मुलाकात नहीं हो पाएगी हाँ वो मैं ऐसे करूँगा जैसे जब मैं अंदर है तो मुझे मिलेंगे तो मैं ऐसे ही हाँ। मिलूँगा दिल खोल के और बाहें खोल आहा, के tight हाँ। हाँ। साथ करूँगा जी I will miss you ठीक है but I will stay in touch with you हाहाहा चाहत भाई this is it from our side एंड करें पॉडकास्ट ठीक है ठीक है खुश हम है। खुश हैं आपने पूछना है। है। <laughs> <पुछ> <laughs> बोल हम रहे बोल थे चाहत भाई जरा एक सेकंड ना आपने ना जैनब के लिए भी गाना गाना चाहत भाई आपने जैनब के लिए गाना जैनब को डेडिकेट करना है आपने एक गाना

आप आप शुरू तो करें ना आप इनको करेंट करें कोई कोई अपना गाना जो हमारे जो हमारे आज के ऑनस्टावर के जो प्रोड्यूसर हैं माशाल्लाह सामने बैठी हैं बहुत ही खूबसूरत हैं लेकिन सिर्फ एक कमी है बस ओहो वो क्या वो ये है कमीर तेरी काली <leagues> कमीर तेरी काली कमीज तेरी काली ओ कदी ओ कदी ओ कदी, कदी लाले कदी पाली ओ कदी लाले कदी पाली वाह वाह जबरदस्त 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 कमीज तेरी कम वाली कमीज तेरी लाहौर तो कमीज तेरी कराची तो तो कदी लाली कदी पाली तो कदी लाली कदी पाली माशाल्लाह ले जी <laughs> चार भाई थैंक यू सो मच लवली टू सी यू म्यूजिक ग्रुप आ गए माशाल्लाह ऑन स्टार थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच वंस अगेन चाहत भाई आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं आप इनोसेंस जो है ऐसी मैंने कहीं देखी नहीं है आपकी मासूमियत और आपका जेन्युइन दिल वाला देने वाला प्यार हाँ, जो इतना आपने बड़ा दिल अल्लमिया ने आपको दिया दी 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 है बहुत-बहुत आपको मुबारक <laughs> हो शुक्रिया बहुत है पानी माशाल्लाह संदसी आपका और शाहिर आपका माशाल्लाह थैंक यू सच अ वंडरफुल शो और आपका जो सेटअप है जो स्टूडियो ब्यूटीफुल माशाल्लाह थैंक यू फिर भी बुलाइएगा मैं हाजिर हो जाऊंगा फिर से मैं और कुछ कोई एक्टिविटीज़ नहीं होगी सिर्फ़ फन होगा, होगा लाफ होगा उसके बाद अच्छा सा डिनर oh, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल आपका खाना बिल्कुल, हमने ज़रूर कहना चाहिए थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट एंड वी विल ऑलवेज़ कैच यू इन द नेक्स्ट वन थ्री टू वन थ्री